दोस्तों, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। आज हम तारक मेहता के सभी अभिनेताओं की रियल लाइफ पत्नी और फैमिली के बारे में बात करेंगे। नंबर एक, चंपक लाल यानी बापूजी। तारक मेहता में जेठालाल के बापूजी चंपक लाल जयंतीलाल गड़ा का किरदार अमित भट्ट निभाते हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1972 को सौराष्ट्र गुजरात में हुआ था। अमित भट्ट की रियल लाइफ पत्नी का नाम कृति भट्ट है और इनके दो बेटे भी है। नंबर दो, आत्माराम तुकाराम भिड़े। गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े का किरदार मंदार चांदवड़कर निभाते हैं। इन्होंने मराठी फिल्मों से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। मंदार चांदवड़कर की रियल लाइफ पत्नी का नाम स्नेहल चांदवड़कर है और इनका भी एक बेटा है। नंबर तीन, पोपटलाल तूफान एक्सप्रेस वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल का किरदार श्याम पाठक निभाते हैं। तारक मेहता शो में तो इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन रियल लाइफ में इनके तीन बच्चे हैं। इनकी पत्नी का नाम रश्मि पाठक है। नंबर चार, बाघा। तारक मेहता में बाघा का किरदार तन्मय वेकारिया निभाते हैं। तन्मय वेकारिया के इस किरदार को सभी लोग बेहद ही पसंद करते हैं। इनकी असली पत्नी का नाम मिस्तु वेकारिया है और इनके दो बच्चे भी हैं। नंबर पाँच, मेहता साहब। तारक मेहता के लेखक और जेठालाल के फायर ब्रिगेड मेहता साहब का किरदार शैलेश लोढ़ा निभाते हैं। बता दें कि मेहता साहब यानी शैलेश लोढ़ा रियल लाइफ में भी लेखक है। इनकी असली पत्नी का नाम स्वाति लोढ़ा है और इनकी एक बेटी भी है। नंबर छह, रोशन सिंह सोढ़ी। तारक मेहता में पहले सोढ़ी का किरदार गुरुचरण सिंह निभाते थे, लेकिन उनके शो छोड़ने के बाद यह किरदार बलविंदर सिंह सूरी निभाते हैं। इनकी पत्नी का नाम सविंदर कौर है। नंबर सात, अय्यर भाई। तारक मेहता के साइंटिस्ट और बबीता जी के पति अय्यर भाई का किरदार तनुज महाशब्द निभाते हैं। फिलहाल इनकी शादी नहीं हुई है, वे अभी कुंवारे हैं। नंबर आठ, जेठालाल। इनके बारे में तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो ऊपर आई बटन में जेठालाल के रियल लाइफ की पूरी वीडियो है, आप देख सकते हैं। जेठालाल यानी दिलीप जोशी की रियल लाइफ पत्नी का नाम जयमाला जोशी है और इनके दो बच्चे भी हैं। वैसे तारक मेहता में आपको किसका किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।